फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनमें खाली स्थान भरने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें खाली स्थान दिए गए हैं और ये उनके आंसर्स हैं। अब हम इनको वन बाई वन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, काउंटर कंट्रोल रिपीटेशन इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेशन बिकॉज इट्स नोन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। जो काउंटर कंट्रोल रिपीटेशन है उसको किस तरह के रिपीटेशन स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है जिसमें हमें पहले से पता होता है कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा उत्तर, उसको हम डेफिनेट रिपीटेशन बोलते हैं। उसको हम डेफिनेट रिपीटेशन बोलते हैं क्योंकि उसमें हमें पता है पहले से कि ये कितनी बार रिपीट होगा। जैसे ये एग्जाम्पल है जिसमें व्हाइल में हमने कंडीशन डाली है वो काउंटर लेस देन और इक्वल टू 10 और बाद में अंदर काउंटर प्लस की वैल्यू 1/1 से इंक्रीज कर दी है, उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये लूप 10 बार चलेगा, 10 राउंड्स लगाएगा, 10 राउंड्स तक चलेगा। नेक्स्ट, सेंटिनल कंट्रोल्ड रिपीटेशन इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेशन बिकॉज इट्स नोन इन एडवांस, इट इज नॉट नोन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। जो सेंटिनल कंट्रोल रिपीटेशन है जिसमें हमें पहले से नहीं पता होता कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा उसको किस तरह का रिपीटेशन स्टेटमेंट बोला जाता है, उत्तर है उसको इंडेफिनेट रिपीटेशन स्टेटमेंट बोला जाता है। ये एग्जांपल लिया है जिसमें ग्रेड को हमने स्कैन किया, ग्रेड पे कंडीशन लगा दी ग्रेड इज नॉट इक्वल टू -1 और नीचे ग्रेड को फिर से रीड कर रहे हैं। जब तक कि इसको ग्रेड की वैल्यू -1 नहीं मिलेगी तब तक ये स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा, ये इसलिए इसको हम इंडेफिनेट रिपीटेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। इन काउंटर कंट्रोल रिपीटेशन ए और एन वेरिएबल इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस शुड बी रिपीटेड। ऐसा कौन सा मतलब ऐसा क्या होता है जिसमें काउंटर कंट्रोल रिपीटेशन में उसको हम काम में लेते हैं और वो काउंट करने का काम करता है, कितनी बार हम इंस्ट्रक्शंस को रिपीट कर चुके हैं इसको वो काउंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उत्तर देखते हैं, उसको हम कंट्रोल वेरिएबल या काउंटर कहते हैं। मतलब वो जैसे एक एग्जांपल लें, इसमें काउंटर इक्वल टू 1 किया, काउंटर लेस देन इक्वल टू 10, तो ये काउंट करता रहेगा जब हम प्रिंट कर रहे हैं कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है, रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, ये काउंट करेगा, ये वेरिएबल है काउंटर। तो इसको हम काउंटर वेरिएबल या काउंटर सिंपली काउंटर कहते हैं। इस वेरिएबल का नाम हम कुछ और भी दे सकते हैं लेकिन इसको नॉर्मली बोलने में काउंटर ही बोलते हैं। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड इन ए रिपीटेशन स्टेटमेंट कॉजेस द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप टू बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट होता है जो हम किसी रिपीटेशन स्टेटमेंट के अंदर लिख देते हैं तो वो वहां से उस स्टेप को स्किप कर देता है, छोड़ देता है और नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? आंसर देखते हैं, उस स्टेटमेंट को हम कंटिन्यू स्टेटमेंट कहते हैं। उस स्टेटमेंट को कंटिन्यू स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है जिसमें x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट कर रहे हैं हम, x की 1 से 10 वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं लेकिन बीच में स्टेटमेंट लिख दिया इफ x इज इक्वल टू 5 तो कंटिन्यू, x की वैल्यू 5 होने पर कंटिन्यू स्टेटमेंट इसको मिलता है। तो इसका आउटपुट जो है वो 5 को स्किप कर देगा, मतलब जब x की वैल्यू 5 है तो उस डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, 5 को प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड इन अ रिपीटेशन स्टेटमेंट और ए स्विच कॉजेज एन इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द स्टेटमेंट। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो यदि किसी रिपीटेशन स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट में लिखा जाता है तो वो उस स्विच या रिपीटेशन स्टेटमेंट से हमें बाहर निकाल देता है? उत्तर देखते हैं, वो ब्रेक स्टेटमेंट है। मतलब ब्रेक है वो यदि मिल जाता है तो प्रोग्राम आगे रन, प्रोग्राम का वो लूप या स्विच स्टेटमेंट है वो आगे एग्जीक्यूशन नहीं करता है, वो उससे बाहर निकल जाता है। जैसे ये फॉर लूप का एग्जांपल लिया है जिसमें लिखा है कि x की वैल्यू 5 होने पर ये ब्रेक हो जाए। तो x लूप में हमने x इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया, x लेस देन 10 इक्वल टू 10 तक जाना चाह रहे हैं लेकिन x इक्वल टू 5 पर ब्रेक होने के कारण ये x की वैल्यूज 5 के बाद में प्रिंट नहीं करेगा, मतलब 5 को प्रिंट नहीं करेगा, 1 2 4 ही प्रिंट करेगा।
The empty space is used to test a particular variable or expression for each of the constant integral values it may assume. ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है सी प्रोग्रामिंग में जो किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन कोई व्यंजक लिया है या कोई चर राशि ली है उसको किसी कॉन्स्टेंट निश्चित या नियत पूर्णांक संख्या के साथ कंपेयर किया जाता है और यदि उसकी वैल्यू उस नियत संख्या के बराबर है उस नियतांक के बराबर है तो कुछ एग्जीक्यूशन करता है अदरवाइज नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करता है इस तरह का स्टेटमेंट है उसको क्या कहते हैं आंसर देखते हैं तो वो होता है स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट जैसे एक एग्जांपल लिया है सी एच को हम कंपेयर कर रहे हैं प्लस माइनस स्टार स्लैश परसेंटेज ईटीसी ये करेक्टर होते हैं इनको भी इंटीजर कंपेरिजन करके हम इंटीजर ही मानते हैं तो ये स्टेटमेंट है जो स्विच स्टेटमेंट है स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं जो इंटीजर या एक्सप्रेशन की किसी वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू को एक इंटीजर फिक्स्ड इंटीजर से कंपैरिजन करता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स इफ आंसर इज फॉल्स एक्सप्लेन व्हाई कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको वो गलत हैं असत्य हैं या सत्य हैं ये पहचानना है तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं इनको वन बाय वन देखते हैं द डिफॉल्ट केस इज रिक्वायर्ड इन द स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें जैसे हम केस मैच करते हैं उनमें एक डिफॉल्ट लिखना जरूरी है तो इसका आंसर है इसका ये सत्य है या असत्य है तो ये असत्य है या फॉल्स है क्योंकि डिफॉल्ट ऑप्शनल है ये वैकल्पिक है हम चाहें तो लिखें हम चाहें तो ना लिखें नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ब्रेक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड इन द डिफॉल्ट केस ऑफ स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट जो स्विच सिलेक्शन स्टेटमेंट हम काम में लेते हैं उसका जो डिफॉल्ट लेते हैं डिफॉल्ट जो एक केस लेते हैं उसमें ब्रेक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्या ये कथन सत्य है आंसर है फॉल्स ये भी सत्य नहीं है क्योंकि ब्रेक जो स्विच स्टेटमेंट होता है उसमें मोस्टली हम लास्ट में लिखते हैं समझते हैं हम उसके लास्ट में लिखते हैं उसके बाद वैसे ही एग्जिट होता है वैसे ही प्रोग्राम के बाहर निकल जाते हैं इसलिए ब्रेक ना लिखें तो भी कोई ज़रूरी नहीं है और इन जनरल ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी केस में रिक्वायर्ड नहीं होता है कंपलसरी नहीं होता है ज़बरदस्ती लिखना ज़रूरी नहीं होता है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको लिखते हैं नेक्स्ट द एक्सप्रेशन एक्स ग्रेटर देन वाई एंड ए लेस देन बी इज ट्रू इफ आइदर एक्स ग्रेटर देन वाई इज ट्रू और ए लेस देन बी इज ट्रू ये जो एक्सप्रेशन लिखा है एक्स ग्रेटर देन वाई और ए लेस देन बी यहाँ बीच में लॉजिकल एंड लगा है तो ये सत्य होगा या तो एक्स ग्रेटर देन वाई है या ए लेस देन बी है क्या ये कथन सत्य है तो इसका भी उत्तर है नहीं ये कथन असत्य है क्योंकि जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है उसके लिए हमें उस पूरे एक्सप्रेशन को सत्य करने के लिए ज़रूरी है ट्रू करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों ही ट्रू हों आइदर ट्रू मतलब दोनों में से एक ट्रू होने से काम नहीं चलेगा दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है नेक्स्ट An expression containing the double pipeline operator is true if either or both of its operands is true. यदि हम double pipeline किसी expression में use करते हैं तो उसके दोनों तरफ के जो operands होते हैं दोनों तरफ जो व्यंजक लिखे हैं
वो दोनों में से एक सत्य हो या दोनों सत्य हो तो एक्सप्रेशन पूरी सत्य होती है। क्या ये कथन सत्य है? तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर है और इसके लिए ये सत्य है कि लॉजिकल और में जो दोनों एक्सप्रेशन काम में ली गई हैं उनमें से एक भी सत्य होने पर वो सत्य होता है, ट्रू होने पर, एक भी ट्रू होने पर वो फुल पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होता है।